आई वॉज जस्ट हैंगिंग ऑन दैट वन फुट, एंड उस मोमेंट में पूरा 25 साल का फ्लैशबैक हो गया। हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू सीरीज में जिसका नाम है द ट्रू टेल्स। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग ट्रैवलर्स को इनवाइट करते हैं और वो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं और हम लोगों को सुनने को मिलती है अमेजिंग ट्रैवलिंग स्टोरीज। सो गाइस, जो आज के गेस्ट हैं थोड़े से स्पेशल हैं, बिकॉज आप कुछ भी प्लेसेस का नाम अगर गूगल में सर्च करते हैं तो इनके ब्लॉग सबसे नंबर वन पे आ जाते हैं। और इंस्टाग्राम में तो इन्होंने धूम मचाई हुई है, अब ये यूट्यूब में धूम मचाने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर धीरज। हाय धीरज। हे गाइस, हे। धीरज, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु यार, जैसे कि मेरा नाम धीरज है एंड आई रन अ ब्लॉग कॉल्ड devilonwheels.com। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ वेरी फेमस ब्लॉग। आई थिंक लाइक एनीबडी गोइंग टू हिमालयाज मस्ट बी नोइंग डेविल ऑन 100%। व्हील्स, एंड आई हैव बीन रनिंग इट लाइक फॉर लाइक लास्ट 12 ईयर्स नाउ, और 11 इलेवनिश। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, एंड आई हैव बीन टू प्लेसेस लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्दर्न हिमालयाज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, एंड देर आर ओनली वेरी फ्यू प्लेसेस विच प्रॉबेबली आई कुड नॉट गो बिफोर आई मूव्ड इन 2015 इन US। सो राइट नाउ आई एम लोकेटेड इन US, पेंसिल्वेनिया, एंड आई केम हेयर फॉर माई ब्रेड एंड बटर, एंड आउट ऑफ पैशन आई रन दिस ब्लॉग कॉल्ड डेविल ऑन व्हील्स। वेरी नाइस। सो यार, हाउ यू स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मतलब कहाँ से आया वो कीड़ा, कैसे स्टार्ट किया? हाँ यार, ये एक बेसिकली क्या हुआ था कि 2009 टाइप्स में आई वॉज लाइक ऑन अ वेरी लो फेज ऑफ लाइफ यू कैन से। तो बहुत कुछ ख़राब चल रहा था, एंड तब होता है ना यूथ वाला जोश और यंग जनरेशन वाला जोश वो भी था, एंड सब घर वालों की सुनना नहीं, कुछ करना नहीं, ये सब चलता था। तो हुआ ये यार कि मेरे को लगा कि एक बार ट्रैवल करके देखते हैं। एक फ्रेंड आया एक दिन शाम को, कहता यार शिमला चलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तब थोड़ा माहौल भी ऐसा ही था। हाँ, और हमने कहा चलो चलते हैं, गाड़ी उठाई हम निकल गए, और वहाँ जाके अच्छा लगा, चल गए शिमला गए। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम ट्रिप था खुद से अकेले, अदरवाइज तो मतलब छोटे मोटे ट्रिप्स बनाते रहते थे फैमिली के साथ या कुछ फ्रेंड्स के साथ में, बट वो मोस्टली टूरिस्टी टाइप के होते थे, अलग टाइप का फील नहीं होता था, सब कुछ बुक होता था, गए वहाँ गए और आ गए वापस चिल मार के, है ना। तो वो उस टाइप वाले ट्रिप्स होते थे, बट ये वाला थोड़ा स्पेशल था। तो यार जब वापस आए तो बहुत अच्छा लगा, मैंने यार दोबारा बनाएंगे ये तो, और दैट वॉज लाइक ऑल इम्प्रॉम्प्टू, है ना। वो आया शाम को, उसने बोला चलें, मैंने चल भाई, हमने गाड़ी उठाई चल दिए। तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि यार ये बढ़िया फीलिंग है कि ना ऑफिस का सोचना ना किसी और चीज़ का सोचना, बस गाड़ी उठाई चल दी और फ़ोन कर दिया मैं नहीं आ रहा चलो। और तो फिर ये हुआ यार कि फिर दिसंबर में हमने फिर ओली का ट्रिप बनाया। ओली उस टाइम पे 2008 की बात है, लोग ज़्यादा जानते नहीं थे कि ओली क्या है, ओली है ना कौन, जगह का नाम भी लो तो लोगों को समझ में नहीं आता था भाई कहाँ गया है पता नहीं। फिर बोला जाता था वो यार बद्रीनाथ के पास गए थे। तो वो वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे एडवेंचर हुए, रात में गाड़ी चल रही है, लोग हमें अजीब से देख रहे हैं, तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था भाई क्यों देख रहे हैं, पर हमें ये भी नहीं पता था, हम अनजान थे बिल्कुल कि किस तरह की रोड्स हैं क्या है, बट किसी तरह से वापस आ गए। तो वहाँ से इट इट बिट मी, एंड देन फाइनल जो नेल इन द कॉफिन था दैट वॉज लाइक चंद्रताल। एंड चंद्रताल गए हम जून में, इट वॉज लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जून, अराउंड लाइक 3rd और 4th जून। तो सब कोई मना करे जा रहा था कि यार वहाँ नहीं जाना, अभी तो रोड नहीं खुला होगा। तो यार हम बात करे जा रहे थे एक दो लोगों से मनाली में, उन्होंने कहा रोड खुल जाएगा सर आप आ जाओ, और जब वहाँ गए तो वो दैट वॉज लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे एक तो हाई ऑल्टीट्यूड था, कुछ नहीं पता हाई ऑल्टीट्यूड होता क्या करेक्ट है, करेक्ट है? तो चले गए वहाँ पे बस जोश में कि भाई चलते हैं और इस बार तो पहले हम ही बनेंगे चंद्रताल जाने वाले हैं ना, और पब्लिश करेंगे स्टोरी अपनी कि भाई सबसे पहले इस बार सीजन में चंद्रताल हम लोग गए। और सोचो मतलब कुछ ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो दो एक ट्रिप मारे हैं छोटे से, है ना, और चल दिए वहाँ पे। वहाँ पे यार देर वर लाइक कपल ऑफ इंस्टेंसेस, इट वॉज लाइक कि एक तो हाई ऑल्टीट्यूड नहीं पता था, तो जब वहाँ गए तो एक तो रोड ब्लॉक था, ओके बुलडोज़र अपना जो ये
हाँ डोजर ही होता है, रोड हाँ कट हाँ कर हाँ रहा हाँ था, हाँ तो वो रोड कट करते करते उसका गेयर टूट गया, ओ तो वो स्नो वॉल्स थी, इट वॉज लाइक बाटल टू ग्राम्फू, देर इज अ सेक्शन है ना, तो वहाँ पे स्नो वॉल्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टिंग में ना, तो मतलब इट्स लाइक 20 फीट 40 फीट टाइप्स की, तो उसके बीच में वो कटिंग करते हैं, तो वहाँ पे बीचों बीच रोड के उसका जो गियर था इट ब्रोक, ओह शिट तो भाई रोड उसने बंद कर दिया, अब सब दोनों फंस गए. साइड स्ट्रैंडेड थे क्योंकि कुछ कर तो सकते करेक्ट नहीं है, करेक्ट. और द क्लोजेस्ट हेल्प वॉज काजा, तो फिर कोई काजा जाएगा मैकेनिक के साथ में वो सामान लेके आएगा, तो दैट वॉज ऑल अबाउट लाइक 4 5 6 आवर्स करेक्ट करेक्ट. और ज़्यादा ही मान लो है ना, तो फिर हमने कहा चलो भाई यहाँ से ट्रैक करके चलते हैं, तो हम छोटा धाड़ा से ऑलमोस्ट पूरा का पूरा, और छोटा धाड़ा जस्ट जस्ट बड़ा धाड़ा के पास में ये वहाँ सॉरी से लेके और बाटल तक हम ट्रैक करके गए, अच्छा बाटल से पहले पड़ता है वो छोटा सारा. बाटल से काफ़ी पहले है ना, मतलब जब आप मनाली से काजा की तरफ जा रहे होते हो तो पहले मतलब आपका ये ग्राम्फू आता है, ग्राम्फू के बाद आपका छोटा धाड़ा आता है, अच्छा अच्छा देन बड़ा धाड़ा आता है, एंड देन मतलब आप खोक्स आप उसकी तरफ जाते हो बाटल की तरफ, ओके. एंड बाटल से फिर कुंजुम एंड हाँ. फर्दर, तो हमारा जो मतलब जो ब्रेकडाउन था वो बड़ा धाड़ा के पास में था, अच्छा. तो वहाँ से फिर हम बाटल तक पैदल गए, तो फर्स्ट टाइम भाई ट्रैकिंग एक्सपीरियंस और हाई ऑल्टीट्यूड पता नहीं कुछ, और वहाँ पे फिर मतलब रात में नौजिया वोजिया स्टार्ट हो गया था, फिर शाम को मतलब रात में सब थोड़ी थोड़ी तबीयत हल्की हल्की ख़राब थी, बट हमने कहा अरे ठीक है थकान है ये तो हमें क्या पता AMS क्या होता है, तो एक अंकल जी बैठे थे, अंकल जी के पास जाके बैठ गए, अंकल जी ने भी अपनी बॉटल खोली हुई थी, हमने भी अपनी बॉटल खोली हुई थी, वो पूछ रहे कहाँ जा रहे हो बेटा, हमने कहा भाई जा रहे हैं सर सर जा रहे हैं ये चंद्रताल जा रहे हैं, कह रहे अरे पागल हो गए हो चंद्रताल जाके क्या करोगे भाई, तो मैंने कहा भाई यहीं जाने आए हैं हम सबसे पहले बनेंगे, फिर उसने बोला बेटा आपको ना गलत फहमी हो गई है, अभी रोड तो बंद है और कोई नहीं जाता, अच्छा. और अंकल के पास ना सब कुछ था, वो होता है ना ट्रैकर के गियर जितने भी होते हैं अपने है ना, अंकल ने सब रखा हुआ था अपने पास में, तो हम तो वैसे ही इंस्पायर्ड थे कि अंकल भाई इतनी एज के हैं और अंकल यहाँ पे आए हुए हैं, तो अंकल ने अपनी स्टोरी समझाई कि सुबह गया था मैं, नीचे पानी बह रहा है स्नो के, और फीट रखते ही नीचे फील कर सकते हो आप, यू कैन फील द वाटर गशिंग थ्रू योर फीट, तो कहता कि वो ऐसे कैसे जाओगे यार मतलब इट्स वेरी रिस्की, तो हमने कहा यार अंकल हैं पागल है ना, अंकल की तो फट गई और अंकल आ गए बीच में से वापस, हम तो जाएंगे, तो भाई वही मतलब वो होता है ना कि यार अब क्या केयर करना है ये सब यूथ वाला जो फीलिंग हाँ होता है जोस. उसके बेसिस पे, और 2 पैग मारे सो गए, हमने यार सुबह देखेंगे, गाइड से पूछा, गाइड ने बोला अरे कोई नहीं सर हम चलेंगे कोई नहीं, और सुबह उठ रहे हैं अपना आराम से, 9 बजे उठे है ना, तब भी कोई केयर नहीं कि भाई सुबह जल्दी उठ लो कुछ कर लो, नहीं नहीं 9 बजे सब तैयार व्यार होके बैठे यार, वहाँ गए पहली स्नो स्लोप आई तो देख के तो हिल गई कि भाई ये पार कैसे होगी, तो वो स्नो स्लोप इज़ लाइक कि आप ट्रैक कर रहे हो है ना, एंड ट्रैक करते करते जो ट्रैक पाथ है उस पर पूरी स्लोप है स्नो की, मतलब रोड तो है नहीं, तो आपको स्लोप पार करनी है और दूसरी साइड जाना है, तो भाई वो बहुत स्कैरी था, तो बड़ी मुश्किल से वो जो गाइड था उसने कुछ कुछ होल्स बनाए और हम गए वहाँ पे, एंड अच्छा पार कर लिया यार उसको फिर हमने, एंड जब पार किया तो एक पार किया दो पार किया, दो पार करने के बाद लगा यार ये तो कॉन्फिडेंट है हम चलो चलते हैं, फिर जाते जाते फास्ट फॉरवर्ड चंद्रताल नहीं पहुंच पाया क्योंकि स्नोफॉल पड़ने वो लगा, बेस कैंप तक पहुंच गए थे, जो बेस अब कैंप है उसका वहां पे जहां पे रोड खत्म. हाँ हाँ वहाँ तक, वहाँ बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गए थे, जहाँ तक मतलब वो जो एक तो है बेस कैंप जहाँ पे कैंप्स हाँ लगते हैं कैंप्स ना, जहां पे लगते हैं. वहाँ तक हम पहुँच गए थे, कैंप्स के बाद आप ऊपर चढ़ाई करते हो एंड रोड थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म होता है चढ़ाई करने के बाद है ना, वहाँ पे भी कुछ लोग कैंप्स लगा लेते हैं कई बार अपने जहाँ रोड की वॉल वैसे बनी हुई अलाउड है, नहीं है वहां पे. तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ अलाउड नहीं है, तो हम उस रोड पे ही थे जहाँ वो वॉल आती है, वहाँ तक पहुँच गए थे, और पता नहीं था भाई कि अब क्या होगा क्योंकि 9 बजे से और 3 बज चुके थे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और बर्फ पड़ने लगी थी,
अब भाई बर्फ पड़ने लगी तो गाइड भी कहने लगा कि यार ये तो खतरा हो गया है, तो आप एक काम करो वापस मुड़ो और अब बिना रुके चलना है। मैं, यार तू पागल है यार, मतलब बिना रुके कैसे पहुंचेंगे वहां तक, हम जो 6 घंटे यहाँ पे लगा दिए तो। पर वो अंदर एक फ्रेंड था, वो भी यार कहने लगा यार ये तो मर जाएंगे अब हम तो, ये तो मतलब यहाँ तो मतलब कोई बर्फ पड़ने लगी अगर तो क्या होगा यार, मतलब सर्वाइव कैसे करेंगे यहाँ पे। तो बस दिमाग सनक गया। फिर हमने, सोचो यार हिमांशु, कि हम इतने नाइव थे कि हमने पानी की बोतल नहीं ली थी, वोडका की बोतल ली हुई थी तो हमारे पास पानी नहीं था। तो मैंने कहा यार यही है अब तो, भाई इसी के सहारे पहुंचना है वहां पे। तो भाई लगे हुए हैं मतलब एक एक सिप मार के और भाग रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट लिटरली है ना, पता नहीं कहाँ से अंदर से जोश आ गया था। बट बीच में जाके ये हुआ मतलब, और फुल फीलिंग कि आज तो मरेंगे, आज वापस नहीं जाएंगे, है ना। तो और फिर वो अंकल की बातें याद आ रही थी, बिल्कुल अंकल की बातें याद आनी शुरू होगी कि अंकल ने बोला था मत जाओ मत जाओ, पर हम पहुंच गए फिर भी। अब आधे रास्ते तक पहुंचे थे तो वही स्नो स्लोप्स आने वापस स्टार्ट हो गए। जब दो दो हमने पार किए हैं, और आई थिंक वही AMS, बिकॉज आई स्टार्टेड प्यूकिंग आउट, तो मुझे लगा कि वो AMS हिट करना स्टार्ट हो गया। अगेन पता ही नहीं था तब AMS होता क्या है ना। तो अब जब स्लोप्स आए, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही चलो भाई चलो, जैसे होता है ना कि जैसे शिमला और औली गए थे ऐसे ही चंद्रताल था हमारे लिए बिल्कुल मजे मजे में, मजे मजे में। तो जब एक दो स्नो स्लोप हमने पार कर लिए थे, तीसरा जब मैं पार कर रहा था, देन आई स्लिप्ड और बस मेरा एक पैर अटका हुआ था एक यू नो होल टाइप्स में, मतलब जो होल बने हुए थे, बाकी मैं यू नो आई वॉज जस्ट हैंगिंग ऑन दैट 1 फुट। और नीचे चंद्र रिवर बह रही थी मस्त अपनी फ्लो में, एंड भाई वो साहब बस मोमेंट था लाइफ चेंजिंग मैं बोलूँगा। एंड उस मोमेंट में पूरा 25 साल का फ्लैशबैक हो गया लाइफ का, कि भैया क्या कर रहे हो आप जिंदगी में और भाई साहब किस तरह से आप लास्ट के 2-3 साल, 2 साल टाइप्स जो बहुत ही मैं बोलूँगा डिफिकल्ट फेज था लाइफ का, तो वो आपने कैसे बिताए और वाई आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग लाइफ है। और तो वो सब कुछ उस यू नो इट वॉज लाइक 20 सेकेंड 30 सेकेंड टाइप, एवरीथिंग गॉट रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट ना। फिर वो मैं तो आई लॉस्ट द होप कि यू नो आई कुड रिकवर फ्रॉम इट, तो बट देन गाइड केम रनिंग एंड उसने दूसरा होल बनाया एक, उसके पास एक यू नो ही हैड एन अच्छा एक्स टाइप, तो ही पुट एक्स समवेयर एंड डिग अच्छा अनदर होल वहाँ पे उसने बोला मुझे पैर रखने के लिए, बट आई वॉज नॉट इवन लाइक लिसनिंग कि वो क्या कह रहा है। तो थोड़ी देर में उसने बोला, मतलब 2-3 बार उसने जब बोला चिल्ला चिल्ला के, तब मुझे वापस यू नो आई रीगेन द कॉन्शियस एंड ट्राई टू पुट दैट लेग इन भाई दैट होल। तो वहाँ से थोड़ा हुआ एंड देन ही पुल्ड मी साहब बैक, पुल्ड मी विद हैंड एंड ऑल। बहुत डरावना है तो तो बस वो एक मोमेंट था। एंड देन AMS वॉज लाइक, तब तक आई थिंक मैं शायद बॉडी भी मे बी छोड़ चुकी थी है ना होप, तो बट वंस वी क्रॉस इट थैंकफुली वी रीच्ड एट द बेस बाटल। तो वहाँ अपने जो चंद्रदार ढाबा वाले अंकल हैं दोरजे, उन्होंने साथ दिया, चाचा चाची चाचा चाची बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने अंदर बुलाया अच्छे से, फिर ध्यान रखा हमारा पूरी रात। पूरी रात मतलब लग नहीं रहा था कि सुबह उठेंगे, बिकॉज पूरी इतनी यार वोडका इतनी पी ली थी, और आप मतलब ये सब काम सही कुछ नहीं करते हैं ना, मतलब ना हाँ आप ड्रिंक करते हो हाई ऑल्टीट्यूड पे, ना आप एग्जर्शन करते हो, हम सब कुछ कर रहे थे ना। करेक्ट हम मनाली पहुंच के अगले दिन निकल गए, फिर 15-16 किलोमीटर ट्रैक कर लिया, फिर चंद्रताल चले गए सुबह सुबह, पता नहीं होता क्या है। जूते भी ऐसे ही थे ना, स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं अपने, सब गीले वीले, अंदर ठंड लगे जा रही है, ओ तो बड़े पानी में गिर हाँ गए है ना, तो अंदर घुसे जा रहा है पानी। गमबूट्स लिए हुए थे पर वो गमबूट्स के अंदर भी पानी घुस जाता है, क्योंकि वो मनाली से जो मिलते हैं वो वाले लिए हुए थे। ज्यादा ऊंची राइट हाँ राइट तो हाँ हाँ ओवरऑल इट वॉज लाइक अ डिजास्टर, बट इट वॉज अ मिराकल दैट वी कम बैक। तो उसके बाद तो कोई चोट वोट तो नहीं आई पाँव में यार तुम्हारे? चोट तो मतलब ऐसा नहीं आई थी है ना, बट मतलब इट वॉज मोर ऑफ मेंटल टॉर्चर जो था, या मेंटल मैं बोलूँगा एगनी जो थी वो ज़्यादा थी। तो
बिकॉज बाय द टाइम आई स्लेप्ट इवन बिकॉज इट वॉज लाइक मैं शायद बिल्कुल पीक पे था फिर AMS के. नॉट एग्जैक्टली पीक होता तो शायद बचता ही नहीं, बट मतलब सीवियर सिम्टम हो चुके थे तब तक. 3-4 बार यू नो आई प्यूक्ड आउट एंड होल नाइट मतलब ऐसे ही चला. सुबह हुई किसी तरह से एंड मौसम भी क्लियर हो गया था सुबह. फिर अंकल ने बिठाया, फिर चाय वाय पिलाई, सुबह कुछ खिलाया, तो देन आई डिड नॉट थ्रो अप. तो फिर लगा कि अब ठीक है चलो. फिर थोड़ी देर बैठे वहाँ 2-3 घंटे एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग बैक. देन हिमांशु भाई आई रियलाइज कि यार ये तो अपने साथ हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ हो सकता होगा. एंड देन आई थॉट कि यार इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए. एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली आफ्टर कमिंग बैक. आई मीन लाइक आफ्टर कमिंग बैक द होल लाइफ चेंज विद दोज 30 सेकेंड इन माइंड कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ इट्स लाइक नॉन ट्रिवियल है वो सब, है ना. वॉट एवर इम्पॉर्टेंस आई एम गिविंग टू अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ विच आई एम लाइक मैं बोलूँगा यार कि वो 2 साल 1.5 साल टाइप्स आई वॉज लाइक इन डीप डिप्रेशन टाइप्स एंड दैट मोमेंट जस्ट यू नो टुक मी आउट ऑफ इट, लाइक गिव मी द करेज टू गेट आउट ऑफ इट थिंकिंग कि यार यू नो इट्स नॉन ट्रिवियल. यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द पास्ट एंड यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड. And that was the moment that changed the life altogether, I would say. And then I realized ki it's not about my changing just my life, it's about like helping out people out there, hai na. So wahan se then I started Devil on Wheels blog after that Chandratal trip, and that basically gave birth to the blog. And that's where I started publishing ki yaar mujhe useful content share karna hai jo matlab logo ke liye useful ho, and you know they don't end up in these situations which I ended up. To wahan se hi yaar ye sab start hua. And then because main zyada trips pe jaane laga uske baad mein, to I started feeling for the locals as well. Because agar main bolu to kahin na kahin pe wo locals hi the jinhone bachaya, hai na, guide ho gaya, correct, right, correct. And then matlab uncle Dorje ho gaye, hai na, un sab ne milke hi jaan bachayi. तो इट्स लाइक आई ओ देम एवरीथिंग आई वुड से ऑलवेज. तो इसीलिए हिमांशु भाई ये जो ब्लॉग भी है इट्स कम्प्लीटली नॉट फॉर प्रॉफिट. नथिंग कम्स इन माई पॉकेट, एवरीथिंग गोज आउट ऑफ माई पॉकेट, गोज इन टू द प्लेटफॉर्म. ट्राई टू लाइक बिल्ड इट मोर एंड मोर एंड ट्राई टू शेयर मोर एंड मोर लोकल कॉन्टैक्ट्स. वहाँ से फिर वो लोकल यू नो लोकल अपलिफ्टमेंट का एक तरह से मैं बोलूँगा एक विजन जुड़ा ब्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं उनकी स्टोरी सुनता था. बीच में जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कमीशन ले लेते थे, उनको बहुत कम देते थे लोकल्स को, कई बार पेमेंट ही नहीं करते थे पूरे पूरे सीज़न. तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरीज ऐसी एक्सप्लॉयटेशन टाइप की मिली, एंड ऑल बिकॉज दे डिड नॉट हैव द नॉलेज और दे डिड नॉट हैव द प्लेटफॉर्म टू यू नो to get themselves right in front of the traveler or you know tourist. तो वहाँ से यार मतलब I started promoting these locals as well, like the drivers, guides, local porters. तो मतलब आप देखोगे तो Devil on Wheels पे आपको इन सभी के contacts मिल जाएंगे, right, you know, right, as the local. तो local homestays हो गए, small guest houses हो गए, उन सबको promote करना I started doing that. We did a lot of causes. तो वहीं से यार you know it was like all because of that one incident or one trip that caused this life changing you know event for me and probably for many others who followed Devil on Wheels and did not end up in that kind of situation. That's it. Very nice sir, very inspiring story. So guys मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ. धीरज भाई हमारे Devil on Wheels करके इनका हैंडल है इंस्टाग्राम में. आपने आप ऑलरेडी आई थिंक पहले से जानते हो गए इन्हें, बट इन्होंने अभी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है नया. तो इसमें आप अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने इनकी कोई भी सीरीज देख ली तो मतलब समझ लो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है. पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके व्लॉग्स में, इनकी जो भी सीरीज होती हैं FAQ सीरीज है इनकी बहुत अच्छी अच्छी, तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आप जाके जरूर देखना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और बाकी धीरज भाई काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. सेम यार हिमांशु भाई, सेम यार. और आई होप हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे. बिल्कुल. सो यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. मिलते हैं कभी ब्रेक के बाद नेक्स्ट मीटअप में. जरूर. ऑलराइट, टेक केयर मैन, बाय बाय.